हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेकविला में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम पोस्टपेड के बारे में। दोस्तों, पेटीएम पोस्टपेड जो यहाँ पर पेटीएम की तरफ से जो यहाँ पे आपको लोन दिया जाता है, उसकी लिमिट दी जाती है आपको खर्च करने के लिए। तो अगर आप उसको पे नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रिचार्ज किया था जुलाई महीने में, तो मुझे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि मुझे इंटरेस्ट लगा है, साथ ही साथ लेट फीस लगी है। तो ये जो है 450 रुपये का समथिंग मैंने रिचार्ज किया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ 506 रुपये हो गया। मुझे मुझे 50 रुपये यहाँ पे लेट फीस देनी पड़ रही है कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 8 रुपये इंटरेस्ट लगा है, 25 रुपये लेट फीस एक एक महीने की लगी है, 25 रुपये दूसरे महीने की लगी। कुल मिलाकर के मुझे 50 रुपये लेट फीस देना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप कुछ महीने बाद भी पे कर सकते हैं। कुछ ऐसा लीगल नोटिस मुझे नहीं आया है। तो दोस्तों, मैं सिंपली ये बताना चाह रहा था आपको कि आप कुछ महीने बाद भी पेमेंट कर सकते हैं ऐसे। और जैसे कि मैं यहाँ पर पेमेंट कर देता हूँ, तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं आप पे पे क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास मैसेज आ चुका है कुछ इस तरीके से। तो देखते हैं दोस्तों, मेरी पेटीएम पोस्टपेड जो सेवा है वो वापस से चालू की गई है कि नहीं की गई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने पेमेंट तो कर दिया है हालांकि, लेकिन यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड लिमिट जो है होल्ड पे रख दिया गया है कुछ इस तरीके से। तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों, आपको इसमें कुछ महीने बाद पेमेंट कर सकते हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल टेकविला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।